हेलो बच्चों, जैसा आप जानते हैं मैं पीसीएम बहन के सर। मैं अपना कैलकुलस का कंटिन्यूटी पढ़ा चुका हूँ, इस समय लेके चल रहा हूँ इंटीग्रल। क्या बच्चों, इंटीग्रल लेके चल रहा हूँ, इंटीग्रल लेके चल रहा हूँ, इंटीग्रल इंटीग्रल जिसमें से मैं अपना पार्ट 5 का कराया हूँ। आज पार्ट 6 कराऊंगा। कुछ फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं, उसको आप जान लीजिए। वो डायरेक्ट इंटीग्रेट में यूज आएंगे। जैसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का होगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx dx इक्वल टू क्या होगा, log mod sin x प्लस c, और इंटीग्रेट sec x dx क्या होगा, log क्या होगा बच्चों, log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब एक और बचता है, इसमें चार होता है, एक और क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेट कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये चार फार्मूले हैं, इसको आप पहले लिख लीजिए, तब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए इसी पे क्वेश्चन कराते हैं। मेरा क्वेश्चन जो आज 5 क्वेश्चन कराऊंगा पार्ट 5 का, जो कि मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में आइए, लास्ट एक्सरसाइज होगा 7.2 का। 7.2 देखिए, जैसे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट 1/1 माइनस 10x, ये मेरा सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे इसका, सॉल्व dx। सॉल्यूशन के लिए क्या होगा बच्चों, 10x को साइन एक्स में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 1/1 माइनस 10x को हम करेंगे, क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/cos x माइनस sin x अपॉन cos x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस से ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेट कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से हम दोनों को तोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेट कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स डी एक्स। कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 dx माइनस ये होगा कॉट इंटीग्रेट कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ डी एक्स का हो जाएगा, इंटीग्रेट एक्स हो जाएगा माइनस, अभी हमने बताया कॉट एक्स क्या होता है, लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने जो पिछला कराया था फॉर्मूला, उसमें ये है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अभी दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। टोटल 5 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन है सब, एनसीईआरटी से हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन करिए हमारे साथ। कहीं गलती हुआ हो तो कमेंट करिए, हम उसको अच्छे से और बताएंगे आप लोगों को। जैसे है बच्चों, क्या है,
दूसरा सवाल, कॉस रूट एक्स डी एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे बच्चों, हम इसको इंटीग्रेट इसको कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करने के लिए हमको इसमें रूट एक्स को टी मानना पड़ेगा। तो लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, हो जाएगा एक्स 1/t-1 इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 1/2, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस 1/2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्या जाएगा, ये 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट एक्स क्या माना है, टी माना है, क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू टू रूट टू टी डी टी। अब यहाँ से हम पुट कर लेंगे, क्या पुट करेंगे, डी एक्स को क्या मानेंगे, डी टी कॉस के कॉस, और इसको क्या माना है, टी माना है, क्या हो जाएगा कॉस कॉस टी अपॉन टी टू टी डी टी। ये कहाँ से आ जानते हैं ना बच्चों, रूट वन अपॉन रूट एस डी एस डी एस रूट, ये आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा, डी एस की वैल्यू हमने ये रखा है, टी सी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू बाहर हो जाएगा, क्या बचा बच्चों, कॉस टी डी टी। अब कॉस टी क्या हो जाएगा, हाँ क्या होता है, इंटीग्रेट साइन टी टू प्लस सी टी की वैल्यू क्या है, रूट है, साइन रूट टू प्लस टी टू, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है बच्चों को, तो भी 3 क्वेश्चन कराना है हमको, दूसरा क्वेश्चन था ये। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1-x2, ये क्या होगा बच्चों, इसको सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हमने माना, लेट किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, इसका क्या होता है, 1/1-x2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहाँ डायरेक्ट आ गया, साइन इनवर्स क्या माना है, टी माना है, इंटीग्रेट टी डी टी, तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, टी स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, इस पे 3rd क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन है बच्चों मेरा, 5th क्वेश्चन भी आसान है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में है, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट 1+cot x, क्या cot x है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों इसका, इसको कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लेंगे, 1/1+cos x अपॉन साइन x, इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कैसे वो जानते हैं ना बच्चों, साइन एक्स यहाँ चला जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, अब साइन एक्स ऊपर चला जाएगा अपॉन साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटीग्रेट डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस एक्स डी एक्स ये कट जाएगा, क्या बचेगा वन डी एक्स अपॉन टेन एक्स इंटीग्रेट डी एक्स, एक्स का एक्स का एक्स हो जाएगा टेन एक्स, हमने टेन एक्स का भी बताया हमने क्या होगा लॉग प्लस प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। एक क्वेश्चन और उसको ट्राई करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करते हैं अब उसको करना हम लोग। हर जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसको आप लोग पक्का करा करिए, जैसे कि आप लोग बोर्ड में अच्छे से नंबर गेन कर सकें। मैं भले ही पांच पांच क्वेश्चन कराता हूँ लेकिन छाँट छाँट कराता हूँ, एनसीईआरटी से जो अच्छा क्वेश्चन होता है वही मैं उठाता हूँ। अब क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव, टेन इनवर्स टू एक्स प्लस थ्री टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, ऐसा आप लोग देख रहे हैं। हम जानते हैं एक फार्मूला, क्या जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स टेन स्क्वायर इसको क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री माइनस वन, फार्मूला होता है ना बच्चों कि टेन स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर इक्वल टू वन, ये वाला फार्मूला टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, यहाँ से टेन स्क्वायर इक्वल टू किया जाता है सेक स्क्वायर माइनस वन किया जाता है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या हुआ सॉल्यूशन कि लेट इंटीग्रेशन डी एक्स तो तोड़ लेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स माइनस डी एक्स हो जाएगा। अब आगे कैसे होगा बच्चों, अब लेट कर लेंगे टू एक्स माइनस थ्री को, लेट टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री, थ्री का डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा, टू एक्स क्या हो जाएगा टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे कैसे होगा बच्चों, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू, हो गया बच्चों आसान से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेक स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी हो गया वन बाई टू बाहर हो जाएगा, और इसका क्या है डी एस का माइनस एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी का हम जानते हैं क्या होता है टेन होता है टेन टी माइनस एक्स वन बाई टू प्लस टी, टी क्या माना है हमने टी माना है टू एक्स माइनस थ्री, क्या हो जाएगा वन बाई टू टेन टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। तो बच्चों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन हर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, धन्यवाद बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए।